आज वैसे तो कल थोड़ा आवाज बढ़ाएं। नरेंद्र राय जी अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ धनवाल धौला के सभा में, जहां पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के समक्ष उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कल भी मैंने इनको बधाई दिया था, लेकिन इनका एक आग्रह था कि आप एक बार थोड़ी समय के लिए है कल आ जाते तो बाकी लोगों को भी, जो कार्यकर्ता हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सब लोगों को भी एक बार आप आश्वस्त करते तो अच्छा होता। तो मैंने इनसे कहा था कि लेकिन हम जरूर आए, और आज आए आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही काफी पुराने हमारे साथी लोग हैं जो सब लोग काम किए थे, क्या कहते हैं, जिला के महामंत्री रहे, लेकिन हालांकि उस समय महामंत्री थे जब हम नहीं थे, उस समय श्री बसंत भोक्ता जी है, सुबोध कुमार राय जी है, ये भी किसान मोर्चा में प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, और ऐसे काफी क्या कहते हैं यहाँ पर बैठे हैं। अभी तो कुछ वर्तमान पद में भी है, जैसे श्रीकांत जी हैं और आपके माला जी हैं, ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और लोजपा के नेता तो आपको बताएंगे कि नकुल जी भी, भले हम सब लोग अलग अलग थे, आप सब लोग भी नामांकन कर रहे थे, लेकिन मैंने नामांकन में अपने ओर से, हमने बसंत जी को भी कहा कि भाई हम नामांकन कर रहे हैं, अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा, वोट जिसको देना है करो, लेकिन मैंने निमंत्रण इनको भी दिया था, सुबोध जी को भी दिया था, इनको नहीं दिए थे, लेकिन ये चुनाव के दिन वहाँ मिल गए हैं। क्या बोलते हैं, नामांकन के दिन हॉल में हम जब निकल रहे थे, निरंजन जी से भी मुलाकात हुई। तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम सब लोग एक साथ, नाम तो काफी लंबा है, मैं इसलिए नामों को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपने पास सब रख ले रहा हूं। तो मैंने कहा कि भाई कार्यकर्ता के साथ होता है, जब बहुत बड़ा परिवार होता है तो कई मामले होते हैं, घर में भी होता है, कुछ एक परिवार होगा खुद किस्मत जो घर में भाई और चाचा भतीजा में थोड़ा बहुत नहीं होता होगा खटपट, नहीं तो लोगों से कहता हूँ, हमारे प्रेस के मित्र लोग कभी कभी पूछते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, हम बोले कि शादी किया हो कि नहीं किया हो, बोला कि हाँ शादी किया है, तो हम कहते हैं कि कभी कभी पत्नी से भी हो जाता है, पत्नी भी कभी रुष्ट हो जाती है तो हम मायके चले जाते हैं, तो फिर जाके के मनाना पड़ता है, होता है कि नहीं होता है। तो घर में जब होता है, बच्चे भी कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं, भाई भी होते हैं, तो ये सब सामान्य प्रक्रिया है, कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं होता है। फिर सब कुछ मिल बैठ करके, और देश के प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि भाई अगर हम बढ़ जाएंगे, हम एक रहेंगे तभी हम सेफ भी रहेंगे, अगर एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, तो फिर हमें लूटे जाएंगे और लूटने वाले अपनी महफिल सजाएंगे। तो इसलिए हम सब लोग एक होकर के काम करें, और मैं निरंजन जी को बधाई देता हूँ और आप सबको भी, कि निश्चित रूप से सबसे तो नहीं किया होगा, लेकिन कुछ एक लोगों से तो इन्होंने भी चर्चा किया होंगे, और आप सब लोगों ने उस मुकाम से जिसको कहते हैं वहां से लौटना बड़ा मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है, लेकिन हम कह सकते हैं जहां तक पहुंच करके और उससे मोड़ लेना, यानी असंभव को संभव कर दिखाना, ये निरंजन जी ने किया है, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और आज तो मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि निरंजन जी के कल सम्मान हुआ कि, और आगे भी निरंजन जी के ही नहीं, आपके साथ जितनी नौजवान लोग काम कर रहे थे उन सब लोगों को भी वही सम्मान मिलेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। मैं आप सबको
क्योंकि इस समय तो चुनाव है और चुनाव में मात्र दो दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए दो दिन तो इस काम में आप सब लोग लगा दें और उसके बाद जो सम्मान होगा सबों को सम्मान रखा जाएगा, सबों का ध्यान रखा जाएगा, उसमें से कोई आपको ये चिंता नहीं करनी होगी। हमारी चिंता है, सबकी चिंता है। और चूंकि ये तो अपना गांव घर का इलाका है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राज्य के दर्द को, इस क्षेत्र की तकलीफ को भी हम जानते हैं, आप हमें कहे या ना कहे, क्योंकि हम भी इसी धरती पर पैदा लिए, यहीं पर बड़े हुए हैं, तो हमें पता है लोगों के क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है और क्या कष्ट को हमें दूर करना चाहिए। वो निश्चित रूप से उसको दूर भी करेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ। इतना ही मैं कहने के लिए सिर्फ आया था, कोई लंबी चौड़ी आज भाषण देने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ तो भाषण देने के लिए आपके यहाँ नेता सब लोग हैं, आप सब लोग हैं, आप सब लोगों को यहाँ से जा करके अपने अपने गाँव में, टोला मोहल्ला में आप उसको बताना। अभी सुबोध जी ने मान की बातें रखी, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता हमें करनी है। हम निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र की कैसे तरक्की हो, कैसे प्रगति हो, उसमें से हमें क्या क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम उस पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, उस क्षेत्र में हम इस क्षेत्र से कोई MLA MP नहीं होते थे, कहीं हम संथाल परगना से MP थे और MLA भी बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो रामगढ़ से बने, रांची रामगढ़ उधर जो अभी तो रामगढ़ जिला ही बन गया, वहाँ से बने। लेकिन तब भी चूंकि हमारा जन्मभूमि था, तब भी मैंने कोशिश किया था उस समय, चाहे गाँव से लेकर के आपका एक पूरा गिरिडीह जिला, ऐसे तो पूरे झारखंड में भी हमने जो कोशिश किया कि लोगों की जो कठिनाई उसको कैसे कम कर सकते, उसको कैसे दूर कर सकते, तो उस समय भी किए हैं। जबकि उस वक्त तो नए राज्य था, कोई राज्य पुराना नहीं था, राज्य भी नया बना था, हम भी नए थे, हमें भी बहुत कुछ सीखना था। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आदमी जब लंबी समय तक राजनीति में होता है, नज़दीक से देखा है, उस समय हम लोगों ने कोई सत्ता को भी नहीं देखा था, क्योंकि बिहार में कोई BJP का सत्ता तो हुआ नहीं करता था कि काम कैसे होता है, काम क्या करना। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ, जो एक लंबी अंतराल राज बनने के बाद ये जो समय अब 24 साल हो रहा है, नहीं छोड़ दो, 24 साल में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, तो आप आने वाला जो समय है वो कष्ट को दूर करने का है। आपका और हमारा ही नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश की जो तकलीफ है, झारखंड प्रदेश में जो लोग दांत झेल रहे हैं, उसको हमें दूर करना है। और ये दूर तभी होगा, उसमें आप सबका सहयोग होगी, आप सबका समर्थन होगा। और मैं एक बात कहूँगी कि जीत के लिए तो कोई दिक्कतें नहीं आप सब लोगों के आने के से तो, लेकिन जीत के लिए आप नहीं, जीत का अंतर जितना बड़ा हो वो आप सबका योगदान होगा। यही मैं आज आप सब लोगों की विनती कर रहा हूँ कि जीत का इतना बड़ा मार्जिन होना चाहिए कि झारखंड की जनता ही नहीं बल्कि देश को भी ये पता होना चाहिए, तभी तो लगेगा कि भाई हाँ निरंजन भाई आए हैं तो फिर उसका देखो ये कमाल। तो इसलिए हमने कहा कि ये देखना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे और विशेष कुछ ना कहते हुए मैं सबों से कहूँगा कि हाँ जितने भी लोग मंच पर बैठे सबको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, आप सबका जो मान सम्मान यहाँ जो बैठे हुए सबका मान सम्मान, और आपके जो मान सम्मान जो निरंजन जी का है वही मान सम्मान आप सब लोगों को भी रहेगा। और जब भी आप हमारे यहाँ आएंगे आप समय जरूर निकालूंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब लोगों के लिए हमारा दरवाजा सदैव खुला रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।